पड़ेगा ना सो लेट्स गेट ऑन टू वीडियो विच इज ऑल अबाउटी की ड्रेस है Amazon की ड्रेस है और uh, मीशो की भी है yes. so, ये सारी ड्रेसेस जो है ना ज्यादा इतनी महंगी नहीं है जो भी है वो एवरेज रेंज वाली प्राइजेस की है सो so, इन सभी को हम आज स्टाइल करने वाले हैं और सबसे पहले करेंगे दिस दिस फर्स्ट ड्रेस समरी वाइज सो so, ये जो ड्रेस है ना ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी ड्रेस की सारी डिटेल्स वगैरह जो भी मैं यूज़ करूंगी ड्रेसेस बैग या शूज़ अगर मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स देती ही जाऊँगी सो so, ये जो ड्रेस है एक बहुत ही प्यारी ब्लू कलर की कॉटन की फ्लोरल ड्रेस है ये शॉर्ट ड्रेस है आप यू you नो know, इसके अंदर आपको शॉर्ट्स वगैरह पहनना पड़ेगा इसमें ब्राउन कलर के ऐसे सनफ्लावर्स बने हुए प्यारे से ब्राउन एंड वाइट में सो इट इज़ द रियली क्यूट ड्रेस इसको आराम से ब्रंच के लिए पहना जा सकता है कहीं पर यू नो ऐसे सांभर डेज के लिए जनरली बाहर जा रहे हो तो आप आराम से पहन सकते हो काफी क्यूट ड्रेस है सो लेट्स स्टाइल दिस ड्रेस इसके साइड में टाई अप है तो मैं इसको आराम से टाई अप को जो है वो बांध दूंगी अपने हिसाब से और ये अच्छे से फिटिंग हो जाता है मेरी बॉडी पे अब इसके बाद है बारी सैंडल्स की तो सैंडल्स के लिए मैंने चूज़ किया है यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो यू नो थोड़ा सा हाई हील रहेगा तो क्यूट लगेगा तो ये हील्स मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से लिया है ये टाई अप वाले हील्स हैं तो ऊपर इसके जो है ऐसे टाई अप है, ये काफ़ी एंड फॉर द बैग कंप्लीटिंग द लुक आई एम टेकिंग मिराजियो का ये जो बैग है और ये बैग जो है मैंने मिंत्रा से खरीदा था ये बैग के वगैरह की लिंक्स जो है ना मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ये सारी प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो सो द सेकेंड ड्रेस यहाँ पे जो आ रही है वो है बहुत ही प्यारी और गोजस आरबानी की ड्रेस ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर मैंने उसके पहले खरीदा था ओके okay? तो या वायरल होने के पहले खरीदा था मैंने ये ड्रेस ये बहुत ही प्यारा एक सैटिन का ड्रेस है इसका जो ब्लू है वो एक बेबी ब्लू टाइप्स में है एक शाइन है इसको क्योंकि सैटिन है ये कॉर्सेट जैसा आगे में डिटेल है इसमें और यहाँ पे जो है एडजस्टेबल स्ट्रैप्स है ये ड्रेस में साइड में एक बहुत ही बड़ा स्लिट भी है सो so, या yeah, ये ड्रेस आप आराम से यू नो नाइट पार्टीज वगैरह हो गई या फिर डिनर वगैरह के लिए आराम से स्टाइल कर सकती हो क्योंकि एक बहुत ही सॉफ्ट है लाइट वेट है और यू you नो know, एक पार्टी अप्रोप्रिएट ड्रेस है तो आराम से ये नाइट लेट स्टाइल दिस ब्लू स्लिप ड्रेस फ्रॉम अरबैनिक ये जो नेक्स्ट ड्रेस है ये अरबेनिक की ड्रेस है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड और मैंने हील्स वही रहने दिया है क्योंकि वो अच्छी लग रही थी मैंने यहाँ पे गोल्ड वॉच पहनी है बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो विद द गोल्ड क्यूट सब बैग मैंने मीशो से नहीं सॉरी अमेजोन से ऑर्डर किया था मेरे स्टेटमेंट बैग्स वाले हॉल में है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ये काफ़ी एक अच्छा यू नो लुक एड कर रहा है इस ड्रेस को शाम के लिए एक बहुत ही अच्छा आउटफिट है स्लिंग बैग है ये तो काफ़ी यू नो ओवरऑल एक एक्सेसरी uh, जैसा इन्हेंस कर है ना आई रियली लाइक द लुक द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव हियर ये भी बहुत ही प्यारा सॉरी Amazon की ड्रेस है Amazon हॉल में मैंने ये ड्रेस डाली थी और काफी यू you नो know, प्यारी ड्रेस है मतलब इसका जो लैवेंडर ये कलर है इट्स सच अ गुड कलर और मानोगे नहीं जितनी सस्ती है ड्रेस है ना आई गेस सीन 350 रुपए की ड्रेस है उसके हिसाब से इट्स वन ऑफ माई बेस्ट बाइज़ एक छोटी सी प्यारी प्लेन ये ड्रेस है बॉडी कॉन ड्रेस है इसमें एक दो है ना स्ट्रैप दिए हुए एडजस्टेबल नहीं है इसका कलर ही जो है ना बहुत ही अच्छा कलर है इसके बैक में एक छोटा सा स्लिट है सो यू कैन यू नो वर्क आराम से और फिर जो ये ड्रेस है फुली बहुत ही अच्छे मटेरियल की ड्रेस है थिक है एकदम सी थ्रू नहीं है वैसे ही तो बहुत ही अच्छी और बॉडी कॉन ड्रेस है एक प्लेन ड्रेस है पर इसको आराम से किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल किया जा सकता है चाहे जैकेट के साथ स्टाइल कर लो या फिर यू नो वाइट शर्ट के साथ स्टाइल कर लो दिन में पहन लो या रात में पहन लो ये ड्रेस दोनों के लिए अप्रोप्रिएट है जस्ट कि आप कैसे स्टाइल करना चाहते हो दिन के हिसाब से या शाम के डिनर वगैरह पार्टी के हिसाब से आप कैसे स्टाइल करना चाहते हो टोटली आपके ऊपर है लगता है मुझे बॉडी कॉन ड्रेसेस के लिए थोड़ी सी ब्लॉटिंग हुई हुई है लेकिन ये जो हील्स हैं प्लेटफॉर्म वाले कंफर्टेबल वाले मैंने कुछ टाइम पहले अमेजोन से ऑर्डर किया था प्लेन जो क्रॉस बॉडी बैग है ये मैंने अर्बैनिक से लिया था इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ये और ये ब्लैक ऑन ब्लैक ब्लैक हमेशा देखोगे आप मेरे कॉम्बिनेशन में मुझे ब्लैक बैग और ब्लैक पर्स जो है उसको साथ में कंबाइन करना बहुत अच्छा लगता है इसको आप एक तरीके से और एलिगेंट भी बना सकते हो लाइक यू कैन यूज़ बेज वाले हील्स जो हैं और गोल्ड थोड़ा सा ऐड कर लो टोन जैसे यहाँ पे मैंने व्हाइट ईयरिंग्स पहना हुआ है ये द लुक बिकम्स एलिगेंट मूविंग ऑन ये वाली जो ड्रेस है वो बहुत ही मेरी फेवरेट ड्रेस है अगर आपने मेरी मीशो हॉल देखी है ड्रेसेस वाली सो या यू ऑल लाइक दैट मीशो हॉल सो so ड्रेसेस पार्ट टू हॉल भी आएगा एफ वाई आई बहुत जल्दी आएगा तो ये उसमें से ही एक ही ड्रेस है और ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इसके कलर के वजह से इसका ब्राउन कलर है इसको स्टाइल करना ना मेरे को सबसे ज़्यादा मैंने अभी तक मैंने इसको बाहर पहना नहीं है और मुझे पहनना है ये ड्रेस कहीं तो ये एक जो है शॉर्ट लाइन की ड्रेस है ए लाइन जैसी ड्रेस है इसका कलर बहुत ही सोबर और स्मार्ट है ये कॉलर शर्ट ड्रेस जैसी एक ड्रेस है और फुल लेंथ स्लीव है और आगे में एक छोटा सा ऐसे यू you नो know, टाई अप कॉर्सेट जैसा बना हुआ पर यह एक्चुअल कारसेट जैसा नहीं है टाई अप जैसा बना हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा साइड से फिटिंग करवाया है क्योंकि मुझे थोड़ी लूज हो रही थी बट येस ए लाइन में काफ़ी अच्छी ड्रेस है इसको स्टाइल करना डेफिनेटली आई वॉन्ट अ गो विद ब्लैक ब्लैक बूट्स के साथ मेरा मेरा मन ही है कि मैं इसको ब्लैक बूट्स के साथ पहनूँ और इसके साथ कुछ तो ब्लिंग होना ही चाहिए ये ड्रेस तो अभी मैंने बता दिया है मेरी मीश और इसके साथ मैंने पहना है ये सॉक बूट्स क्योंकि मुझे बूट्स में ही पहनना था इसको हील्स में नहीं पहना था थोड़ा रॉक स्टार वाला वाइब चाहिए था मुझे मैंने अभी अमेजोन से कुछ टाइम पहले ये मस्त सस् स्पाकली वाला क्रॉस बॉडी बैग मंगाया था इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप चेक कर लेना मुझे चाहिए था थोड़ा रॉक स्टार वाला वाइब इसीलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट दैट प्लेन भी ऐसे बैग चाहिए तो रख सकते हो पर मुझे एक पागल का टच चाहिए था ड्रेस इतनी प्लेन है शूज़ ऐसे प्लेन से है इसीलिए आई जस्ट वॉन्टी टू एड अ स्पार्कल एंड इट लुक्स रियली गुड बैग चाहो तो चेंज कर सकते हो एज यू विश बट आई वॉन्ट टू कीप इट दिस वे एंड इट लुक्स परफेक्ट अब मैं जाने वाली हूँ किसी कॉन्सर्ट में जल्दी लास्ट बट नॉट द ड्रेसेस की बात कर रहे हैं तो मैंने एक टॉप भी इंक्लूड किया है क्योंकि वाई नॉट एक ऑनलाइन uh, शॉपिंग में एक कॉर्सेट टॉप तो इंक्लूड कर ही सकते हैं तो कॉर्सेट टॉप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये हाई वेस्टेड जीन्स और पैंट्स के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं काफ़ी क्लासी और स्मार्ट चॉइस है क्योंकि मैं वो ना ट्यूब टॉप्स वगैरह नहीं कैरी कर पाती हूँ आई डोंट नो आई फील अ बिट अनक इन तो इसीलिए मेरे लिए बेस्ट चॉइस होता है ये कॉर्सेट टॉप्स जो कि ट्रेंडी भी होते हैं और काफ़ी प्रिटी लगते हैं मुझ पर तो ये जो है ये भी मैंने मीशो से खरीदा है इसके एक दो और कलर्स भी मैंने खरीदे हैं मुझे मरून वाला जो है वो काफ़ी ज्यादा पसंद है इसमें आगे यू नो जिपर डिटेल है कॉर्सेट जैसा है पूरा बैक भी ऐसे प्लेन है पर काफी अच्छा मटेरियल है आई गेस ये भी मुझे ढाई तीन सौ के आसपास पड़ा था ज्यादा महंगा नहीं है ये टॉप पर बहुत ही अच्छा है और काफ़ी वर्थ इट है इसको मैं स्टाइल करने वाली हूँ इस बेज पैंट्स के साथ ये मैंने आई गेस लोकल मार्केट से कहीं खरीदा था आपके पास कहीं से भी खरीद सकते हो ऐसे बेज पैंट्स के लिंक्स जो है अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्शन दे दूंगी बट बेस्ट के साथ मरून इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन आई फील क्योंकि जस्ट ब्रिंग्स आउट द कलर ऑफ मरून काफी अच्छा लगता है तो ये मैंने हाई वेस्टेड इस बेस्ट पैन के साइड स्टाइल करने वाली हूँ सो so, लेट्स गेट स्टाइलिंग ये वाला लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पड़ती है क्योंकि ये खुद ही एक बहुत ही अच्छा मेरे को थोड़ा सा एलिगेंट लुक देना था इसको क्योंकि काफ़ी एलिगेंट लग रहा है तो एक मैंने गोल्ड चेन ऐड करी है छोटी सी गोल्ड ईयरिंग्स मैंने वही वाली रहने दी है ज़्यादा कुछ नहीं मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ भूल गई हूँ वॉच पहनना मेरे को वॉच और एक गोल्ड ब्रेसलेट पहननी चाहिए थी वो मैं भूल गई तो आप वो ऐड कर सकते हो काफ़ी अच्छा लगेगा वो मैं ऐड करना भूल गई हूँ बाकी ये लुक जो है काफ़ी एलिगेंट है एक प्लेन से सटल बैग के साथ और ये बहुत प्यारा लुक है एलिगेंस लुक है आप आराम से यू you नो know, किसी भी डिनर uh, डेट वगैरह पे पहन सकते हो काफी कंफर्टेबल भी रहोगे और काफी स्टाइलिश भी लगोगे इस लुक में आप स्टाइलिंग में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए जो होती है वो है कंफर्ट लेवल मैं अगर ड्रेस को स्टाइल कर रही हूं तो पहली चीज़ जो मैं देखूँगी कि क्या मैं उस ड्रेस में और उस स्टाइलिंग में कंफर्टेबल हूँ सो या मेरी प्रायोरिटी है कंफर्ट और मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है मेरी बॉडी टाइप पे क्या अच्छा लग रहा है वो मेरी प्रायोरिटीज़ होती है ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो